अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम पिक्चर बॉक्स को यूज़ करते हुए किसी भी पिक्चर को कट कर सकते हैं या क्रॉप कर सकते हैं, उसका कोई भी एरिया हम क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन करें। उसके बाद पुराना कोड क्लियर कर दें और फॉर्म पे दो पिक्चर बॉक्स हम ड्रा करेंगे। दो पिक्चर बॉक्स ड्रा कर दिए यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे कोई पिक्चर हम लोड कर देते हैं। इसकी पिक्चर इसको सिलेक्ट करें, इसकी पिक्चर प्रॉपर्टी यहाँ से ग्रीन। अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑटो डिट्रा ट्रू कर दें और ऑटो साइज फॉल्स। ओके, अभी हम कमांड बटन की जो कैप्शन है उसको चेंज करके लिख देते हैं क्रॉप। तो इसके पीछे हम कोड लिखेंगे, डबल क्लिक करें और अभी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। जहाँ पे क्रॉप करके पिक्चर जाएगी पहले उसका नाम लिखना, पिक्चर टू डॉट पेंट पिक्चर। और यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे किसी पिक्चर का हम एड्रेस भी दे सकते हैं जो कहीं पे किसी हार्ड डिस्क में कहीं भी पड़ी है किसी भी फोल्डर में। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे पिक्चर दे देते हैं, पिक्चर वन डॉट पिक्चर, यानी पिक्चर वन में जो पिक्चर है हम उसको कट करना चाहते हैं। तो कॉमा एक्स वन के जो भी फाइनल पिक्चर होगी वो शुरू कहाँ से हो, हम इसको ज़ीरो ज़ीरो करते हैं कि पिक्चर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से ड्रा होना शुरू हो, जो नई तस्वीर कट हो जाएगी। उसके बाद उसकी विड्थ हम दे देते हैं 2000 और हाइट दे देते 3000। उसके बाद X2 जो है ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने पिक्चर जो हमने कट करनी है, जहाँ से उसको कट करना शुरू करना है वो पॉइंट है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 600 600 और इसकी हाइट दे देते हैं 2000 3000। अभी सबसे पहले पिक्चर टू डॉट पेंट पिक्चर, वो पिक्चर जहाँ पे पिक्चर कट हो जाएगी। उसके बाद पिक्चर सोर्स के कौन से पिक्चर को कट करना है, उसके बाद जो उसके बाद वैल्यू देनी है एक्स वन की कि पिक्चर जो कट हो गया कि वो ड्रा होना कौन से शुरू हो, ड्रा होना शुरू से जहाँ पे उसका कॉर्नर है वहाँ से शुरू हो। तो हम जीरो जीरो कर देते हैं तो वो बिल्कुल स्टार्ट से ड्राना शुरू होती है। तो आगे उसकी हाइट और विड्थ है, उसके बाद आगे आ जाता है कि जो पिक्चर जहाँ से कट करनी है वो कहाँ से कट करना शुरू करनी है, ये एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू बाई तरफ से जितने पॉइंट्स और वाई की वैल्यू जो है टॉप से जितने पॉइंट्स नीचे बनते हैं, तो वहाँ से ये कट करना शुरू करेंगे और इतनी इसकी विड्थ होगी और इतनी हाइट होगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये हमने अपना प्रोग्राम रन कर दिया। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इसने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया यहाँ से कट कर लिया है। अभी हम इसको चेंज करके देखते हैं, हम जहाँ से कट करना शुरू करना है उस वैल्यू को ज़्यादा करते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं 2000 और यहाँ पे 1500 कर देते हैं। अभी हम रन करके इसको देखते हैं, ये देखें अभी इसने यहाँ से ये एरिया एक जो यहाँ से ये खास सा एरिया है ये उसने क्रॉप करके वहाँ पिक्चर में कर दिया। चले अभी हम पिक्चर चेंज करके देखते हैं, स्टॉप करें, उसके बाद पिक्चर पिक्चर वन को सिलेक्ट करें और उसकी पिक्चर चेंज कर देते हैं इसमें। तो अभी हम देखते हैं, रन करें और क्रॉप पिक्चर, ये देखें इसने एक स्पेसिफिक एरिया सिर्फ यहाँ से कट किया है। हम जहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं कि कोई भी एरिया में एक स्पेसिफिक एरिया में किसी पिक्चर का चाहिए सिर्फ, तो हम इस डॉट पेंट पिक्चर फंक्शन को यूज़ करते हुए उसको कट कर सकते हैं और पिक्चर को छोटा
कर सकते हैं। बाज़ का बहुत बड़ी पिक्चर जो होती है वो खासकर डेटाबेस के लिए, जब डेटाबेस हम सेव करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोडिंग करने लगती है, अगर ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन है तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं इसको कट करके पिक्चर को।